सो गाइस, आज मैं बहुत ही कमाल की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही रियलिस्टिक जानवरों की लड़ाई दिखाई गई है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक गेम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर टू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जर्मन एयरफोर्स लगातार शहर पर बमबारी कर रही होती है। ये देखकर मिसेस पेवेंसी अपने बच्चों सूजन, एडमंड, पीटर और लूसी को बचाने के लिए बंकर की तरफ भागने लगती है, ताकि ये लोग इस बमबारी से सुरक्षित बच सके। लेकिन एडमंड अपनी जान की परवाह किए बिना गिरती हुई बिल्डिंग में से अपने डैड की फोटो बचाकर ले आता है। दरअसल इनके फादर एक सोल्जर होते हैं जो वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, इसीलिए एडमंड अपनी जान पर खेलकर अपने फादर की फोटो बचाकर लाया था, ताकि उसके फादर की एक निशानी उसके पास रह सके। अगली सुबह मिसेस पेवेंसी अपने बच्चों को वॉर जोन से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर भेज देती है, जहां पर युद्ध क्षेत्र से आए बच्चों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर पहुँचने पर मिस मैग्रेडी इन्हें पिक करने आती है, जो इन्हें अपने साथ उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो रहती है। दरअसल मिस मैग्रेडी एक बड़ी पुरानी सी दिखने वाली हवेली में प्रोफेसर डिगोरे के साथ रहती है। मिस मैग्रेडी इन्हें सख्त हिदायत देती है कि वो यहाँ पर किसी भी चीज को टच न करे, क्योंकि इस हवेली की सभी वस्तुएं पुरानी और रहस्यों से भरी हुई थी। वो चारों भाई बहन हवेली में रहते रहते बोर होने लगते हैं, इसीलिए हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। और जब लूसी छुपने के लिए एक कमरे में जाती है, तो वहाँ पर एक बड़ी सी अलमारी को देखती है जो कपड़ों से ढकी हुई थी। लेकिन लूसी उस अलमारी पर से कपड़े को हटा देती है और छुपने के लिए अलमारी के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे वो अलमारी के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ये देखकर लूसी पूरी तरह से हैरान होती है। यहाँ पर लूसी को एक फोन मिलता है जिसका नाम टमनस होता है। टमनस की आधी बॉडी हॉर्स की और आधी बॉडी इंसानों की होती है। पहले तो टमनस लूसी को देखकर डर जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन जल्दी टमनस को समझ आ जाता है कि उसे लूसी से कोई खतरा नहीं है और वो लूसी से बातें करने लगता है। टमनस लूसी को बताता है कि जय का नाम नार्निया है। अब टमनस और लूसी थोड़े समय में ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। इसके बाद टमनस लूसी को अपने घर पर ले आता है, जहां पर वो लूसी को चाय पिलाता है। इसके बाद टमनस लूसी को अपना पारंपरिक संगीत भी सुनाता है, जो इतना मधुर होता है कि उसे सुनते सुनते लूसी सो जाती है। और जब वो वश में आती है, तो देखती है कि टमनस रो रहा होता है। टमनस को रोता देखकर लूसी को कुछ भी समझ नहीं आता और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उसे बताता है कि नार्निया पर एक व्हाइट विच का कब्जा है और उसने हमें सख्त हिदायत दी है कि अगर नार्निया में कोई इंसान दिखे तो हम उसे विच के हवाले कर दें। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बातों में फंसा कर यहाँ ले आया, ताकि मैं तुम्हें विच के हवाले कर सकूं। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। इसके बाद टमनस विच से बचते हुए लूसी को अलमारी के गेट के पास ले आता है और लूसी अलमारी से होते हुए महल में आ जाती है। महल में वापस आकर लूसी देखती है कि उसके भाई बहन अभी भी लुका छुपी खेल रहे होते हैं। यह देखकर लूसी पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि उसे नार्निया में कई घंटे बिताए थे, लेकिन रियल लाइफ में कुछ मिनट ही गुजरे होते हैं। इसके बाद लूसी अपने भाई बहनों को भी उस अलमारी के बारे में बताती है, लेकिन किसी को भी लूसी की बातों पर विश्वास नहीं होता और वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को जब सब लोग सो जाते हैं, तो लूसी एक बार फिर से जादुई अलमारी में से होते हुए नार्निया में आ जाती है। लेकिन इस बार एडमंड लूसी को अलमारी में जाते हुए देख लेता है, और जब वो लूसी को ढूंढने के लिए अलमारी में जाता है, तो वो भी अगले ही पल नार्निया में आ जाता है। एडमंड नार्निया में आकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अलमारी के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इसके बाद एडमंड लूसी को ढूंढने लगता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर वही व्हाइट विच आ जाती है, जिसके बारे में टमनस ने लूसी को बताया था। इस विच का नाम जेडिस होता है। जेडिस एडमंड को नार्निया में देखकर हैरान होती है, क्योंकि नार्निया में इंसान नहीं रहते। जेडिस एडमंड से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। इस पर एडमंड जेडिस को सारी बातें बता देता है कि सबसे पहले उसकी छोटी बहन लूसी यहाँ पर आई थी, जिसकी मुलाकात यहाँ पर एक फोन से हुई, जिसका नाम वो टमनस बताती है। एडमंड की बातें सुनकर जेडिस एडमंड को अपने पास बिठा लेती है और वो एडमंड के साथ बातें करती है, और साथ ही एडमंड को गर्म खाना खिलाती है, जिसे खाकर एडमंड बहुत खुश होता है। इसके बाद जेडिस एडमंड से कहती है कि मेरी कोई भी संतान नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों के साथ नार्निया आओ और यहाँ के राजा बनकर नार्निया पर राज करो। इस पर एडमंड कहता है कि क्या मेरे सभी भाई बहन राजा बनेंगे। ये सुनकर जेडिस कहती है कि तुम्हारे सभी भाई बहन राजा नहीं बनेंगे,
कोच तुम्हारी सेवा करेंगे। यह सुनकर एडमंड बहुत खुश होता है क्योंकि अपने बड़े भाई पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो कभी नहीं चाहेगा कि पीटर नानिया का राजा बने। फिर जेडिस वहाँ से चली जाती है और एडमंड एक बार फिर से लूसी को ढूंढने लगता है। अब कुछ समय के बाद एडमंड को लूसी मिल जाती है। लूसी एडमंड को नानिया में देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब एडमंड को पता चल गया था कि लूसी सच बोल रही थी। इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद लूसी एक बार फिर से नानिया के बारे में पीटर और सुसान को बताती है क्योंकि इस बार उसकी बात का समर्थन करने के लिए एडमंड होता है। लेकिन जब पीटर एडमंड से पूछता है कि क्या लूसी सही बोल रही है तो एडमंड मना करता हुआ कहता है कि यह तो बस ऐसे कहानियां बनाती रहती है। यह सुनकर लूसी बहुत दुखी होती है और रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है जहाँ पर उससे प्रोफेसर डिगोरे मिलते हैं जिनसे लिपट कर लूसी रोने लगती है। लूसी को रोता देखकर डिगोरे मैकरेडी से लूसी को संभालने के लिए कहते हैं और वो लूसी के बाकी के भाई बहनों के साथ अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो इन्हें समझाते हैं कि लूसी न तो पागल है और न ही छोटी बच्ची, इसीलिए तुम लोगों को उसे हर समय झूठा नहीं कहना चाहिए और हो सकता है कि वो सच बोल रही हो। अगले सीन में हम सुसान, एडमंड और पीटर को देखते हैं जो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जब एडमंड एक शॉट मारता है तो बॉल सीधे महल की खिड़की पर आकर लगती है जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि मिस मैकरेडी इन्हें बहुत डांटेगी, इसीलिए लोग मिस मैकरेडी से डरकर उसी अलमारी में आकर छुप जाते हैं जिसमें से होकर लूसी नानिया जाती है और अगले ही पल सभी लोग नानिया में आ जाते हैं। पीटर और सुसान पहली बार नानिया में आकर हैरान होते हैं और अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि लूसी सही बोल रही थी। अब ये लोग नानिया में खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद लूसी इन्हें अपने दोस्त टमनस से मिलवाने के लिए उसके घर ले जाती है। लेकिन जब वो टमनस के घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ सामान बिखरे पड़े होते हैं और टमनस वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर लूसी बहुत दुखी होती है। दरअसल एडमंड ने सफेद विच यानी कि जेडिस को बता दिया था कि लूसी नानिया में टमनस से मिली थी और जेडिस ने टमनस को सख्त हिदायत दिया था कि अगर नानिया में कोई भी इंसान मिले तो उन्हें तुरंत मेरे पास लाना। लेकिन टमनस ने जेडिस की बात नहीं मानी, इसलिए जेडिस ने टमनस को गिरफ्तार कर लिया। अब ये लोग दुखी खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बीवर आता है जिसे पता होता है कि जेडिस ने टमनस को कहाँ रखा है, इसीलिए वो इन्हें अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन ये लोग बीवर के साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी अनजान फोन की वजह से इनकी जिंदगी खतरे में पड़े। लेकिन लूसी की जिद की वजह से इन्हें बीवर के साथ जाना पड़ता है। बीवर इन्हें अपने घर ले आता है जहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहता है। बीवर इन्हें बताता है कि सदियों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि एडम के दो बेटे और ईव की दो बेटियां आएगी जो नानिया को उस वाइट विच जेडिस से आजाद करवाएंगे और एक बार फिर से नानिया में खुशियां लाएंगे। और अब तो असलन भी वापस आ गया है जो नानिया का असली राजा है और तुम लोगों की सेना भी बना रहा है। बीवर की बात सुनकर पीटर और सुसान जेडिस के खिलाफ युद्ध करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि अभी वो वर्ल्ड वार टू से किसी तरह बचकर आए होते हैं और अब वो किसी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। लेकिन इससे पहले कि पीटर अपने बाकी भाई बहनों के साथ यहाँ से निकलता वो देखता है कि एडमंड वहाँ नहीं होता। वो लगातार व्हाइट विच के महल की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि व्हाइट विच उसे नानिया का राजा बना देगी। एडमंड को जाता देख पीटर बहुत गुस्सा होता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और एडमंड महल में पहुंच चुका होता है। एडमंड को व्हाइट विच के महल में जाता देख बीवर ने समझाता है कि तुम एडमंड को बचाने के लिए गलती से भी व्हाइट विच के महल में मत जाना वरना वो तुम चारों भाई बहनों को एक साथ मारकर भविष्यवाणी को होने से रोक देगी। अब तुम्हारे भाई को सिर्फ असलन ही बचा सकता है। इसके बाद लिसा, पीटर और सुसान को न चाहते हुए भी बीवर के साथ जाना पड़ता है क्योंकि अब वो किसी भी तरह एडमंड को बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडमंड जेडिस के महल में पहुंच जाता है जहां पर एक भेड़िया एडमंड पर हमला कर देता है जिसका नाम मोग्रिम होता है। लेकिन जब एडमंड मोग्रिम को बताता है कि उसे व्हाइट विच ने यहां पर बुलाया है तो मोग्रिम एडमंड को छोड़ देता है और उसे जेडिस यानी कि व्हाइट विच के पास लेकर जाता है। लेकिन अब व्हाइट विच का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका होता है और एडमंड के अपने भाई बहनों को साथ न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। यहां पर एडमंड डरकर व्हाइट विच को बता देता है कि उसके भाई बहन बीवर के साथ उसके घर पर है। यह सुनकर जेडिस एडमंड को कैद कर लेती है और मोग्रिम को बीवर के घर भेजकर एडमंड के भाई बहनों को मारने को कहती है। मोग्रिम अपने सैनिकों के साथ बीवर के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले क्यों इन्हें मारते बीवर एक गुफा में से होते हुए पीटर और बाकी के लोगों के साथ
साथ वहाँ से निकल जाता है। गुफा में से निकलने के बाद इन्हें एक फॉक्स मिलता है जो अब इनकी तरफ से लड़ना चाहता है। और जब मोग्रिम अपने लोगों के साथ गुफा में से होते हुए वहाँ पहुँचता है तो फॉक्स उससे झूठ बोल देता है कि उसने कुछ इंसानों को बीवर के साथ उत्तर की तरफ जाते हुए देखा। फॉक्स की बात सुनकर मोग्रिम अपने सैनिकों के साथ उत्तर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एडमंड को देखते हैं जिसको जेडिस ने बांध कर रखा होता है। यहाँ पर एडमंड को टमनस भी मिलते हैं जिसे भी जेडिस ने कैद करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर जेडिस आ जाती है जो बीवर के घर पर एडमंड के भाई बहनों के न मिलने पर बहुत गुस्सा होती है और वो एडमंड को टॉर्चर भी करती है। इसके बाद वो एडमंड को अपने साथ लेकर उसके भाई बहनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं पीटर बीवर और अपने भाई बहनों के साथ लगातार असलन की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी कोई इनका पीछा करने लगता है जिससे ये लोग डरकर एक गुफा में छिप जाते हैं। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज होते हैं जो लूसी और उसके भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो लूसी को गिफ्ट के तौर पर एक ऐसा लिक्विड देते हैं जो गहरे से गहरे घाव को चंद पलों में ही भर सकता है। और वो पीटर को एक तलवार और सुसन को तीर कमान देकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इस समय इन लोगों को इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद ये लोग बीवर के साथ असलन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जब ये लोग एक बर्फ में जमी नदी को पार कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मोग्रिम अपने लोगों के साथ आ जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बर्फ के पिघलने की वजह से पानी की एक बड़ी सी लहर आती है जिसमें मोग्रिम अपने लोगों के साथ बह जाता है। लेकिन पीटर किसी तरह एक बर्फ के टुकड़े के सहारे सुसन और लूसी के साथ किनारे पर आ जाता है। लूसी और उसके भाई बहनों के नार्निया में आने की वजह से अब धीरे धीरे व्हाइट विच जेडिस की शक्तियाँ कम हो रही होती है जिसकी जैसे अब बर्फ पिघल रही थी और नार्निया में पहले की तरह हरियाली वापस आ रही होती है। वहीं जेडिस बर्फ के पिघलने की वजह से परेशान होती है कि तभी वहाँ पर मोग्रिमा जाता है जो अपने साथ फॉक्स को भी लाया होता है। फॉक्स को देखकर जेडिस बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने मोग्रिम को झूठी खबर दी होती है। इसीलिए फॉक्स को पत्थर का पुतला बनाकर एडमंड के साथ उसके भाई बहनों की तलाश में निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने दोनों बहनों और बीवर के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर असलन अपनी सेना तैयार कर रहा होता है। यहाँ पर आकर ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि असलन की सेना में बहुत से अजीबोगरीब जीव योद्धा होते हैं। इसके बाद ये लोग असलन से मिलते हैं जो एक बब्बर शेर होता है। असलन इनसे एडमंड के बारे में पूछता है। इस पर पीटर असलन को बताता है कि जेडिस ने अपनी जादू की मदद से एडमंड को अपने महल में बुला लिया और उसे कैद कर लिया। इस पर असलन पीटर से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम एडमंड को जेडिस से आजाद करा लेंगे, लेकिन इस युद्ध में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इस पर पीटर राजी हो जाता है। अब एक दिन जब लूसी सुसन के साथ नदी के किनारे पर मस्ती कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मोग्रिमा जाता है जो लूसी और सुसन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले क्यों इन्हें कोई नुकसान पहुँचाता वहाँ पर पीटर और असलन आ जाते हैं। पीटर मोग्रिम को अपनी तलवार से मार गिराता है जिसे देखकर एक भेड़िया वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर असलन अपने सैनिकों को उस भेड़िया का पीछा करने को कहता है। असलन पीटर की बहादुरी को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ असलन के सिपाही भेड़ियों का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जेडिस रुकी होती है। असलन के सैनिक एडमंड को लेकर वहां से निकल जाते हैं और जेडिस को इसका पता भी नहीं चलता। अगले दिन एडमंड को वापस देखकर पीटर लूसी और सुसन बहुत खुश होते हैं। यहां पर असलन इन्हें कहते हैं कि तुम एडमंड से उसकी गद्दारी के बारे में कुछ न पूछना। अब अगले दिन जब पीटर अपने भाई बहनों के साथ नाश्ता कर रहा होता है तो एडमंड सुसन और लूसी को वापस घर जाने को कहता है क्योंकि इनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन ये लोग वापस जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि नार्निया में ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो सभी यहाँ रुककर नार्निया वासियों की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इसीलिए लोग युद्ध की प्रैक्टिस भी करते हैं। अब एक दिन जेडिस असलन से मिलने आती है। वो नार्निया के कानून के हिसाब से एडमंड को अपने साथ ले जाने के लिए आई होती है क्योंकि नार्निया में अपने लोगों से गद्दारी करने वालों को जेडिस को सौंप दिया जाता है। लेकिन असलन अपनी जान का सौदा करके एडमंड की जान बचा लेते हैं। लेकिन जब वो रात को सभी के सो जाने के बाद अकेले जेडिस के महल की तरफ जा रहे होते हैं तो लूसी और सुसन उन्हें जाते हुए देख लेती है और वो दोनों छुपकर असलन का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि असलन जेडिस के महल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेडिस और उसके सैनिक असलन का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग असलन को रस्सियों से बांध देते हैं और जेडिस असलन को मारकर उसकी बलि चढ़ा देती है। ये देखकर लूसी और सुसन बहुत दुखी होते हैं। और जब वो दोनों जेडिस और उसके सैनिकों के वहाँ से जाने के बाद असलन के पास पहुँचती है तो देखती है कि असलन की मौत हो चुकी हो
होती है। वहीं दूसरी तरफ फूलों की परी पीटर को बता देती है कि अब असलन इस दुनिया में नहीं रहा। असलन के जाने के बाद पीटर को नार्निया का राजा बना दिया जाता है और अब जेडीएस भी अपनी सेना के साथ लगातार इनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर पीटर भी अपनी सेना को युद्ध करने का आदेश दे देता है। अगली सुबह जेडीएस और पीटर की सेनाएं आमने सामने होती है और दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी और सुसन अभी भी असलन के पास ही होती है और अगले ही पल असलन फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि अगर नार्निया में किसी बेगुनाह की बलि दी जाती है तो उसे मौत नहीं आती। इसके बाद असलन सुसन और लूसी के साथ जेडीएस के महल में आ जाता है, जहां पर जेडीएस के द्वारा मूर्ति बनाए गए टमनस और अपने सभी योद्धाओं को फिर से जिंदा कर देता है और लूसी टमनस से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद असलन लूसी सुसन और अपने सैनिकों के साथ उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा था। पीटर अपनी सेना के साथ मिलकर जेडीएस की सेना से लड़ रहा होता है, लेकिन अब पीटर की सेना हार रही होती है क्योंकि जेडीएस की सेना काफी बड़ी होती है। अपनी सेना को हारता देख पीटर एडमंड को लूसी और सुसन के साथ वहां से जाने को कहता है, लेकिन जब एडमंड देखता है कि जेडीएस पीटर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है तो जेडीएस को रोकने के लिए उसे लड़ने लगता है, लेकिन वो जेडीएस के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और जेडीएस अपने खंजर को एडमंड की बॉडी के आर पार कर देती है, जिससे एडमंड घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। पीटर जब एडमंड को घायल पड़ा देखता है तो गुस्से में आ जाता है और जेडीएस को मारने के लिए उसे लड़ने लगता है, लेकिन जेडीएस के पास जादू शक्तियाँ होती है जिसकी वजह से पीटर लगातार जेडीएस से मार खा रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि जेडीएस पीटर को मारती, वहाँ पर असलन अपनी सेना के साथ आ जाता है और जेडीएस की सेना पर हमला कर देता है। असलन को जिंदा देखकर जेडीएस पूरी तरह से हैरान होती है। असलन जेडीएस को मार देता है। जेडीएस के मरते ही उसकी पूरी सेना हवा में गायब हो जाती है, लेकिन एडमंड अभी भी घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन जब लूसी सेंटा क्लॉस के द्वारा दिया गया जादुई लिक्विड एडमंड के मुंह में डालती है तो एडमंड देखते ही देखते पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद पीटर और उसके सभी भाई बहनों को नार्निया का शासक बना दिया जाता है और वो सब मिलकर 16 सालों तक नार्निया पर राज करते हैं। लेकिन एक दिन ये लोग जंगल में शिकार करते करते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग नार्निया में आए थे, और जब ये लोग उस झाड़ी में जाते हैं तो एक बार फिर से डिगोरा के महल में पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि ये लोग उसी समय में होते हैं जिस समय में ये लोग नार्निया में गए थे, यानी कि ये लोग अभी भी बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर डिगोरे भी आ जाते हैं, जो इन्हें देखकर पूछते हैं कि तुम लोग अलमारी में क्या कर रहे थे। इस पर पीटर बोलता है कि अगर हम आपको बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। पीटर की बात सुनकर प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ तो सही। और इसी सस्पेंस के साथ कि प्रोफेसर को नार्निया के बारे में पता था या नहीं, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।